उत्तर प्रदेश में इटावा जिला की इकदिल पुलिस और अपराध शाखा ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके अंतर जनपदीय शराब तस्कर गैंग के 3 तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया, अपराध शाखा एवं इकदिल थाना पुलिस ने 49 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और 2 कार बरामद कर अंतरराज्यीय ग्रोह के 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए हैं। देखिए, थाना इकदिल और एसओजी की टीम को सूचना मिली थी जिसमें 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, स्विफ्ट डिजायर और स्विफ्ट वीडीआई। इनसे दोनों गाड़ियों में 25 और 24 बोतल, ये अरुणाचल प्रदेश की 555 नंबर की शराब थी जिसको ये बेचा करते थे। उसमें से काफ़ी मात्रा में वो बेच चुके थे उस समय तक। उनसे 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, एक पिस्टल, कारतूस, साथ में 1,13,000 रुपये नगद भी बरामद हुए हैं। और 3 लोग ये पकड़े गए हैं जो कि 2 लोग रहने वाले यहाँ जनपद इटावा के हैं, 1 जनपद मथुरा का है जो वर्तमान में आगरा में रह रहा है। इन 3 को अभी पकड़ा गया है, इनसे कैश भी बरामद हुआ है और ये लगातार इस कार्य को कर रहे थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत इकदिल थाने में किया गया है। टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है और भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।